सुशांत सिंह राजपूत जिनके मामले को हो चुके हैं पूरे 8 महीने, लेकिन वही अब खबर आ रही है कि सुशांत सिंह के फैंस ने एक बड़ी कुर्बानी दी है। दरअसल सुशांत के फैंस ने की है एक बच्चे की मदद, जिसके पास नहीं थे स्कूल जाने के पैसे, उसे पैसे देकर कर रहे हैं उसकी पढ़ाई पूरी। जी हाँ, क्या है पूरी रिपोर्ट आज मैं आपको बताऊंगी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। उनसे अगर कोई भी मदद मांगता था तो सुशांत सिंह राजपूत तहे दिल से उसकी मदद करते थे। इसी को लेकर एक इंसान है जिनका नाम है शशि कुमार, जो कि सिलवासा से हैं, और उनका एक बच्चा है जिनका नाम है संगम कुमार सिंह। और ये जो बच्चा है वो एक स्कूल में पढ़ता है, और आप सबको पता है कि कोरोना के समय में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसी की जॉब चली गई तो किसी के पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से शशि कुमार जो हैं वो अपने बेटे की फीस नहीं भर पा रहे थे। इन्होंने एक ट्वीट किया कि इतने सारे जो एसएसआरियंस जुटे हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम सुशांत की तरह बनना चाहते हैं, सुशांत को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, सुशांत के जैसा काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत लोगों की कितनी मदद करते थे। तो शशि कुमार ने ये बात ट्वीट करके कही कि अगर आप लोग सच में सुशांत सिंह राजपूत के इतने बड़े फैन हैं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आप मेरे बच्चे की फीस भरेंगे? आप सबको यकीन नहीं होगा कि शशि कुमार के इस ट्वीट के बाद कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे सारियंस हैं जिन्होंने एक दूसरे को मैसेज करना शुरू किया। आप सबको बता दें कि शशि कुमार का आधार कार्ड मंगाया गया, उनके सारे बैंक डिटेल्स मंगाए गए, बच्चे के स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन ली गई, सब कुछ देखा गया, और एट लास्ट एसएसआरियंस ने मिलकर उस बच्चे की फीस जमा की। ये बहुत बड़ा काम किया एसएसआरियंस ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने ध्यान में रखते हुए। उन्होंने साबित किया कि वो सच में सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, और जैसे सुशांत सिंह राजपूत अपने फैंस की मदद करते थे, हमेशा तहे दिल से वो अपने फैंस के लिए खड़े रहते थे, उसी तरह आज सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने भी एक छोटे से बच्चे की मदद की और उसके फीस के लिए पैसे जमा करके एकजुट हुए और उस बच्चे की फीस जमा की। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। रजनी की रिपोर्ट।